नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी की 3 बजे की 30 बड़ी खबरों में। कोरोना संक्रमित मरीजों में ऑक्सीजन की कमी समेत कई दूसरी समस्याओं की वजह बन रहा साइटोकाइन स्टॉर्म। इसराइल हमास की जंग में अमेरिका ने की एंट्री। बाइडेन ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से बात की। अब तक 72 लोगों की मौत हुई। यरूशलम समेत इसराइल के कई शहरों में दंगे शुरू। कोरोना से दुनिया में पिछले 24 घंटे में 7.51 लाख नए केसेस, 13,843 लोगों की मौत हुई। भारत में सबसे ज्यादा संक्रमित और मौत के मामले सामने आए। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की किरकिरी। सऊदी अरब से दान में चावल की बोरियों को लेकर लौटे इमरान, विपक्ष ने किया हमला। भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की रिसर्च में हुआ खुलासा। वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी बीमार कर रहा कोरोना का B1.617 वेरिएंट। महाराष्ट्र के विदर्भ में सामने आया था ये नया स्ट्रेन। न्यूजर्सी में मंदिर का निर्माण रुका। भारत से गए मजदूरों का आरोप कि कम पैसे में काम ज्यादा, मुकदमा हुआ दर्ज। भारत समेत 56 देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर चिंतित हुआ अमेरिका। सूडान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में सुधरे हालात। महाराष्ट्र में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। वहीं राज्य में प्रवेश के लिए नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से पहले उठाया गया बड़ा कदम। 2 साल से ऊपर वाले बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल की मंजूरी मिली। बंगाल में मिली हार पर मंथन जारी। नेता बोले, क्षेत्रीय नेताओं की कमी और गलत चुनावी मुद्दों के कारण बीजेपी हारी। कोरोना को हरा चुके लोगों पर अब ब्लैक फंगल के बाद मंडरा रहा हार्ट अटैक का खतरा। डॉक्टरों ने सोशल डिस्टेंसिंग, हमेशा मास्क पहनने का पालन करने को कहा। आसाम में आज से 15 दिनों के लिए सभी दफ्तर बंद। वहीं शादी अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोगों को मिलेगी अनुमति। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों में समय सीमा बढ़ाने की सिफारिश की गई। वहीं कोवैक्सीन की खुराक में कोई बदलाव नहीं। प्रवासी मजदूरों के लिए खाने और राशन का होगा इंतजाम। केंद्र व राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। तमिलनाडु के कोडलूर जिले में कीटनाशक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में लगी आग। 4 लोगों की मौत हुई, वहीं 15 लोग घायल हुए। कोरोना से देश में बिगड़े हालात पर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। झारखंड में निजी गाड़ियों के लिए जारी किया जाएगा ई पास। वहीं शादी समारोह में 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। पालतू पशुओं को भी हो सकता है कोरोना संक्रमण का खतरा। BAU ने जारी की गाइडलाइंस। रेमडेसिविर कालाबाजारी के मामले में FIR हुआ दर्ज। आज भेजे जाएंगे जेल। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के 90% अधिकारी बोले, कोरोना को थामने का सिर्फ अभी लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय। 10 दिनों में घटे हैं मामले। वहीं 31 मई तक सब लॉकडाउन करें। बिहार में डॉक्टरों पर कोरोना का कहर। पहली लहर में 42, दूसरी लहर में अब तक 74 डॉक्टरों की हुई मौत। एक परिवार को छोड़कर किसी को भी नहीं मिला मोदी के 50 लाख और नीतीश के 4 लाख। बिहार से लॉकडाउन में आई संक्रमण दर में कमी। 12 दिन में 15% से घटकर 8.9% इन्फेक्शन रेट। बिहार में 150 कर्मियों के संक्रमित होने से बिजली घर में संकट। बाढ़ NTPC ने सरकार से किया आग्रह, कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाकर वैक्सीनेशन जल्द कराया जाए। नीतीश कुमार को पप्पू यादव की पत्नी की चेतावनी, साथ ही चौराहे पर खड़े करने की दी धमकी। बिहार के गांवों में भीड़भाड़ वाले हाट बाजार को सैनिटाइज कराएगी सरकार, रोज रिपोर्ट देंगे पंचायती राज अधिकारी। फोर्ब्स लिस्ट में मिक्स मार्शल आर्ट स्टार मैक्रिगर ने कमाई में मेसी, रोनाल्डो और फेडरर को भी पीछे छोड़ा। पिछले साल से 971 करोड़ ज्यादा रुपए कमाए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली बहुचर्चित एशेज सीरीज 9 दिसंबर से होगा शुरू। 26 साल में पहली बार फाइनल मुकाबला सिडनी की जगह पर्थ में होगा। ब्रिस्बेन से सीरीज की शुरुआत होगी। गावस्कर ने की पंत की तारीफ, कहा भविष्य में पंत एक शानदार कप्तान बन सकते हैं, साथ ही उनमें मैच जीतने की भी भूख। सिंगापुर ओपन हुआ कैंसल। साइना 2008 के बाद पहली बार ओलंपिक में नहीं खेलेंगी। वही श्रीकांत की भी ओलंपिक खेलने की उम्मीद खत्म। पाकिस्तान छोड़ चुके पूर्व गेंदबाज मोहम्मद आमिर IPL में खेलने की तैयारी में जुटे। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।